मानव नेत्र की जो रचना है वो आपको बताई गई थी। मानव नेत्र किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं, ठीक है, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया था। क्योंकि मानव नेत्र जो है वह एक क्या होता है कि प्रकाशिक यंत्र है। जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी ये किसी वस्तु को देखने में हेल्प करते हैं, वैसे आँख जो है यह भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और आँख की जो रचना है वो आपको अवश्य जाननी चाहिए। मानव नेत्र में होने वाले जो दोष हैं उन दोषों के बारे में पढ़ना आपको है। यह दोष क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनको दूर करने के क्या उपाय हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। मुख्यतः मानव नेत्र में जो है वो पांच तरह के दोष होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के दोष होते हैं मानव नेत्र में। कई किताब में पांचवा नहीं चार ही दिया होता है, तो उससे चार पांच से आप मत कोई परेशान होइएगा। अंतिम जो दोष है वर्णांधता का है, क्योंकि यह बहुत कम लोगों में होता है, इसलिए इसको किसी किताब में दिया होता है, किसी में नहीं दिया होता है। चार ही दोष दिया होता है, तो चार या पांच आप जानते रहेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो दोष है उसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या नाम उसका है, निकट दृष्टि दोष। जो पहला दोष है मानव नेत्र का वो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा दोष हमारा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मानव नेत्र का जो दूसरा दोष है वो कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं समझने में आपको। तीसरा जो है वो है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। चौथा जो दोष है आपका मानव नेत्र का वो होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता। और पांचवा जो दोष है उसको हम कहते हैं वर्णांधता, ठीक है। तो ये पांच तरह के दोष हैं, आप इसको जान जाएंगे। बहुत छोटे छोटे से, बहुत कम इसके बारे में आपको जानना है, बहुत अधिक नहीं जानना है। देखिए सबसे पहले आपको जानना है निकट दृष्टि दोष क्या है। देखिए मानव नेत्र का जो शॉर्ट फिगर बना दे रहे हैं आपको, ये मानव नेत्र का गोला है, आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पर लेंस होता है, यहाँ पर आपका कार्निया होता है। तो मानव नेत्र का लेंस, कार्निया, या पहचान रहे होंगे इसको। बाहर से किरणें आती हैं, अनंत से नहीं, बहुत दूर बिंदु से आ रही हैं या किसी बिंदु से ही होकर जा रही हैं। ये किरणें जब फोकस होती हैं कहाँ पर, रेटिना पर, रेटिना पर जब फोकस हो जाती हैं तब प्रतिबिंब आपका बनता है। मानव नेत्र में दूर से आने वाली प्रकाश किरणें या नज़दीक किसी बिंदु से या किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जब अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस होती हैं तब उस वस्तु का अस्पष्ट प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि किसी कारण से यह किरणें इस काचाव द्रव में, देखिए अपवर्तन के दो यहाँ रीजन हैं, एक तो मानव नेत्र के गोले के भीतर जो भरा हुआ द्रव होता है जिसको हम कहते हैं काचाव द्रव या कांच द्रव भी कहा जाता है, दूसरा जो है ये मानव नेत्र का लेंस है जो कि उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो यह दोनों मिल करके प्रकाश किरणों को मोड़ते हैं और मोड़ करके ला करके रेटिना पर मिला देते हैं, समझ गए बात को। तो इस प्रकार का जो लेंस दोष होता है, इस प्रकार जो है मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो जाता है आपको। लेकिन यही अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जल्दी मिल जाएं, अर्थात रेटिना के पहले मिल जाएं या बाद में मिलें, तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता और मानव नेत्र में दोष आ जाता है। तो वास्तव में निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें जाती हैं वे अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन कहाँ कहाँ से होता है, लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है, और जो ये उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा हुआ है नेत्र गोलक के भीतर, इन दोनों के द्वारा अपवर्तन होने के पश्चात जब वो रेटिना के पहले ही मिल जाता है, सपोज कीजिए यहाँ पर ना मिल करके ये रेटिना के पहले ही मिल जाए, जब रेटिना के पहले ही ये मिल जाएगा तब उस अवस्था में क्या होगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा
और दृष्टि नाड़ियाँ कहाँ जाती हैं, रेटिना से होकर के मस्तिष्क को जाती हैं। तो जब दृष्टि नाड़ियों से कोई संबंध नहीं रहेगा तब प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ के बात को, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले प्रतिबिंब बन जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे दोष को ही हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जो बाहर स्थित वस्तु है, उसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है, नेत्र गोलक के भीतर ही बन जाता है, इसलिए वह प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर है तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। ध्यान दीजिएगा, निकट की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बस इतना ध्यान देना है कि नाम का उल्टा है। जैसे लिखा है निकट दृष्टि दोष, ऐसे लिखा हुआ ना, तो इसका वर्ड, इसके शब्दों से आशय निकल रहा है कि निकट की वस्तु को देखने में दोष है ना, जबकि होता इसका उल्टा है। निकट की दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ साफ अस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं लेकिन एक निश्चित सीमा से दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है ना, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बात को। देखिए, किसी भी स्वस्थ नेत्र के लिए, अगर आपकी आँख बिल्कुल स्वस्थ है तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है, नज़दीकी जो बिंदु होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर किसी भी व्यक्ति का जो आँख है उस आँख के लिए निकट बिंदु होता है। अगर 25 सेंटीमीटर से भी नज़दीक वस्तु आपको साफ साफ दिख रही है तो इसका मतलब तब भी आपकी आँख में दोष है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है, और दूर बिंदु कहाँ होता है? दूर बिंदु अनंत पर होता है, क्योंकि अगर आपकी आँख स्वस्थ है तो आप कहाँ तक देख पाएंगे? सीधे, अगर रास्ते में कोई अवरोध ना हो, पेड़ ना हो, कोई मकान ना हो, कुछ भी रास्ते में अवरोध ना हो, तो आप कहाँ तक देख पाएंगे? तो आप वहाँ तक देख पाएंगे जहाँ पर पृथ्वी और आसमान मिले हुए दिखाई पड़ते हैं, वहाँ तक आप देख पाएंगे। और पृथ्वी आसमान कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी और आसमान अनंत पर मिलते हैं, इसलिए आप अनंत तक देख पाएंगे। बस समझ के बात, इसलिए आप अनंत तक देख पाएंगे। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है, और जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। ये आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, देखिए, तो यहाँ पर जो है नेत्र गोलक के भीतर बन जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको निकट की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन एक निश्चित सीमा से दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। ऐसा दोष क्यों होता है? आप एक दोष के बारे में जान जाएंगे तो दूसरा वाला दोष उसका रिवर्स है, उसका बिल्कुल उल्टा है। चलिए, पहला जो है निकट दृष्टि दोष का कारण बता रहे हैं आपको, पहला कारण इसका बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रतिबिंब नज़दीक बन रहा है तो नज़दीक क्यों बन रहा है? हो सकता है कि जो नेत्र लेंस हमारा है, इस नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई हो। वक्रता बढ़ जाने से फोकस दूरी कम हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, वक्रता बढ़ जाएगी जब, जैसे ये लेंस जो है हमारा, इसकी वक्रता कम है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर इस लेंस की वक्रता ज़्यादा हो जाए, इसका टेढ़ापन ज़्यादा हो जाए, तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो वक्रता कम होने से फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है, और वक्रता ज़्यादा होने से फोकस दूरी कम हो जाती है। समझ गया बात को? तो इस तरह से किसी कारणवश नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना अर्थात फोकस दूरी का कम हो जाना, ये इसका पहला कारण है। क्या कारण हो गया? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना या फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है, फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना या फोकस दूरी का कम हो जाना पहला कारण है। दूसरा इसका रीज़न क्या है? इसका दूसरा रीज़न है कि हो सकता है किसी कारणवश
आँख में चोट लगने की वजह से या कोई भी कारण रहा होगा, जो नेत्र गोलक हमारा है, इस नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया हो। कहने का मतलब, पहले प्रकाश किरणें जो है वह रेटिना यहाँ पर मिल रही थी रेटिना पर, और अब किसी कारण से जो है वो गोलक का व्यास बढ़ गया है, तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई है, एक्सटेंड हो गई है। जब दूरी बढ़ गई है तो किरणें अंदर ही मिल जा रही हैं, समझ गए बात को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरणें इस रेटिना के भीतर ही, रेटिना के पहले ही मिल जा रही हैं। तो हो सकता है किसी कारणवश नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया हो, अर्थात नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का एक्सटेंड हो जाना, बढ़ जाना, जिससे प्रकाश किरणें पहले ही मिल जा रही हैं। इस तरह का जो दोष है क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। यहाँ आप लिख सकते हैं नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना इसका दूसरा कारण है, ठीक है ना। तो कारण आप समझ गए, अब इसके निवारण पे आ जाइए। इसका निवारण क्या होता है? देखिए, इसका निवारण क्या है, यहाँ पर आपका ये मानव नेत्र वाला लेंस है, ये प्रकाश किरणों को मोड़ रहा है, कुछ ये मोड़ रहा है लेंस, कुछ जो है वह काचा द्रव मोड़ रहा है, यहाँ मिल रहा है। आपको ज़रूरत क्या है? ये प्रकाश किरणें यहाँ न मिल करके यहाँ मिले, तो इसका मतलब ज़रूरत है प्रकाश किरणों को फैलाने की। तो फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है, याद है? फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। इसका मतलब कि हमको एक अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रकाश किरणों को कुछ फैलाएगा और वो फैली हुई प्रकाश किरणें आकर के यहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो इसके सामने, ये मानव नेत्र का लेंस है, इसके सामने एक अवतल लेंस हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अवतल लेंस। मानव नेत्र के सामने एक अवतल लेंस लगा देंगे, तो ये अवतल लेंस क्या करेगा? प्रकाश किरणों को पहले फैलाएगा, ठीक है। प्रकाश किरणों को पहले क्या करेगा? ये फैलाएगा, और फिर ये प्रकाश किरणें जब मुड़ेंगी तो जाकर के कहाँ मिलेंगी? रेटिना पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये जो आपका अवतल लेंस है, इसकी भी फोकस दूरी एक निश्चित होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा प्रकाश किरणों को फैला दे तो जाकर के और पीछे मिल जाए, पीछे मिलेगा तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस दोष को दूर करने के लिए एक उचित फोकस दूरी के, उचित का मतलब कि जितनी क्वालिटी का दोष आप में है उसको एडजस्ट करने के लिए जितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता हो, उतनी ही फोकस दूरी के लेंस आपको चाहिए, उतनी ही क्षमता का लेंस चाहिए, तब जाकर के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा दोष आ जाइए, दूसरे दोष में आ जाते हैं हम। दूसरा दोष हमारा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, पहला दोष आप जान गए, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित दूसरा दोष है, इसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, दूर की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, ठीक है। नाम का उल्टा है कि नहीं है? दूरदृष्टि दोष नाम से लग रहा है कि दूर की वस्तु को देखने में दोष है, लेकिन वास्तव में दूर की वस्तु को देखने में दोष नहीं है, बल्कि नज़दीक की वस्तु को देखने में दोष है। तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई पड़ती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या इसका कारण है? इसके भी वही दो कारण है ना। इसमें होता क्या है कि ये नेत्र गोलक है, ये आपका नेत्र गोलक है ना, यहाँ जो है मानव नेत्र का लेंस होता है, बाहर से किरणें आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलती हैं? रेटिना पर मिलती हैं, तब तो कोई दोष नहीं होता। लेकिन अगर ये किरणें रेटिना पर ना मिल करके
बल्कि ये रेटिना के बाद बाहर यहाँ मिलेंगे, दूर मिलेंगी जब, तो रेटिना पर नहीं बनेगा प्रतिबिंब, और रेटिना पर नहीं बनेगा तो नहीं दिखेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, नहीं दिखेगा। इसमें क्या होता है कि अवतल लेंस जो होता है, ये उत्तल लेंस जो होता है आपका है, मानव नेत्र का लेंस है, और ये आपका रेटिना है। इन इस मानव नेत्र या रेटिना के बीच की जो दूरी है, इसको आप कह सकते हैं कि मानव नेत्र का जो गोलक है, इस नेत्र गोलक का व्यास हो सकता है किसी कारण से कम हो गया हो। मानव नेत्र के गोलक का व्यास इसका कम हो जाना, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। पहले मान लीजिए प्रकाश किरणें यहाँ मिलती रही होंगी, लेकिन गोलक ये इसका व्यास घट गया है, दूरी घट गई है, तो किरणें अब बाहर मिल रही हैं, तो नहीं बन रहा है प्रतिबिंब, सीधी सी बात है। तो पहला इसका जो रीज़न है वह है नेत्र गोलक व्यास का कम हो जाना, कम हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना, ठीक है, ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा इसका रीज़न हो सकता है कि जो ये आपका लेंस है, इस लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी का बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए ये हमारा लेंस है, इसकी वक्रता इतनी है, ठीक है, इसकी वक्रता इतनी है, तो इसका फोकस यहाँ पड़ेगा। बाद में इसकी वक्रता और कम हो गई, वक्रता कम हो गई तो लेंस ऐसा बन गया, अब इसकी फोकस दूरी और ज़्यादा आगे पड़ेगी फोकस दूरी। तो अगर इस लेंस की वक्रता में कमी आ गई होगी, इसका जो झुकाव है, पृष्ठ की वक्रता है, उसमें कमी आ गई होगी, तो फोकस दूरी इसकी दूर पड़ेगी, फिर वक्रता कम होने से नेत्र गोलक बड़ा बनेगा, फोकस दूरी दूर पड़ेगी, और फोकस दूरी दूर पड़ेगी तो समांतर किरणें तो फोकस पर ही तो मिलाती हैं, तो ये फोकस दूर पड़ेगा जब, तो किरणें दूर मिलेंगी, सीधी बात है। अब यह जो हमारा रेटिना है वह इस उत्तल लेंस के फोकस पर नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से प्रकाश किरणें वहाँ नहीं मिलेंगी, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अर्थात जो दूसरा कारण हमारा है वो क्या है, लेंस की वक्रता, लेंस की वक्रता का घट जाना, अर्थात फोकस दूरी का बढ़ जाना इसका जो है दूसरा कारण है। क्लियर हो गई बात, ये दो इसके रीज़न हैं। इस दोष को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मोड़ने के लिए यहाँ पर आपको बताया हमने दो वस्तुएं लगी हुई हैं, एक तो लेंस आपका है, ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ये अभिसारी होता है, प्रकाश किरणों को मोड़ता है, और यहाँ पर कांच द्रव भरा हुआ है, कांचाव द्रव, ये भी मोड़ता है, यह दोनों मोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह दोनों मिलकर के भी नहीं मोड़ पा रहे हैं, मोड़ते मोड़ते ले जा करके बाहर मिला रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक और मोड़ने वाला लेंस जो प्रकाश किरणों को अभिसरित करे, यानी मोड़ के मिलाए, ऐसा लेंस चाहिए। ऐसा कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस होता है। तो अगर ये हम इसके सामने एक लेंस और लगा दें, कांच के चश्मे वाला लेंस लगा दें, तो एक लेंस तो ऑलरेडी हमारे पास है, एक लेंस ये, तो कुछ ये चश्मे वाला लेंस मोड़ेगा, कुछ ये मोड़ेगा, कुछ ये मोड़ेगा, तीनों मिलकर मोड़ेंगे तो जल्दी मिलाएंगे, तब जा करके वहाँ फैलाने की आवश्यकता थी, यहाँ मोड़ने की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, एक उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरणों को ये अब फिर मोड़ना शुरू करेगा, कुछ मोड़ देगा यहाँ पे, और तब ये जब मोड़ेगा दो बार, तब जा कर के ये रेटिना पर मिल जाएगा, और जैसे ही रेटिना पर बनेगा ये किरणें मिलेंगी, प्रतिबिंब जो है तुरंत बन जाएगा और आपको अस्पष्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप निकट दृष्टि दोष के बारे में, उसका क्या कारण होता है, उसका क्या निवारण है, ये जान गए होंगे, उत्तल लेंस के बारे में भी जान गए होंगे, या दूरदृष्टि दोष के बारे में जान गए होंगे, क्या इसका कारण है और क्या इसका निवारण है, ठीक है। तीसरा जो दोष है वो दोष कोई अलग से दोष नहीं है, जरा दूरदर्शिता का क्या आशय होता है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, है ना, दूरदर्शिता का मतलब होता है देखने में दोष, ठीक है। तो बुढ़ापे में जो दोष आता है मानव नेत्र में, वह जरा दूरदर्शिता कहलाता है।
वास्तव में उम्र भर काम करते करते, सारी उम्र काम करते करते जो मांसपेशियां होती हैं, आपको बताया गया था कि मांसपेशियां जो हैं वह लेंस के समायोजन का काम करती हैं, है ना। वो लेंस को घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं और एडजस्ट करके दूर की वस्तु को, नज़दीक की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, छोटी वस्तु को देखने में सक्षम बनाती हैं। लेकिन लगातार उम्र भर काम करते करते ये मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए लेंस की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है। मतलब पर्याप्त वो फैल नहीं पाती हैं, पर्याप्त दब नहीं पाती हैं, तो जरा दूरदर्शिता जो है वह मांसपेशियों के सही ढंग से काम ना कर पाने के कारण ही होता है और ये बुढ़ापे में होता है। ऐसे में क्या होता है कि दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं पड़ेगी ठीक से और नज़दीक की वस्तु भी दिखाई नहीं पड़ेगी, अर्थात निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों दोष जो है मानव नेत्र में एक साथ हो जाते हैं। जब मानव नेत्र में दोनों दोष एक साथ हो जाएं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता। अब दोनों दोष हो गए तो निश्चित रूप से दोनों चश्मा चाहिए हमको, तो हम दो चश्मा तो लगाएंगे नहीं कि एक चश्मा अवतल का लगाएं, एक उत्तल का लगाएं, दो दो चश्मे लगाएं, ठीक है ना। तो हमको ऐसा लेंस चाहिए, ऐसा चश्मा चाहिए जिसमें कि दोनों लेंसों का गुण हो, अवतल लेंस का गुण भी हो, उत्तल लेंस का गुण भी हो। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे चश्मे का प्रयोग करेंगे जिसमें जो लेंस लगा हो उसका एक भाग उत्तल हो और एक भाग अवतल हो। अवतल वाला भाग अपसारी का कार्य करेगा और उत्तल वाला भाग अभिसारी कार्य करेगा। तो उस लेंस का एक भाग उत्तल रहेगा, एक भाग अवतल रहेगा, अर्थात अवतलोत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भाग अवतल वाला है वो आँख की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, और जो उत्तल वाला भाग है वो चश्मे में बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जिस चश्मे का प्रयोग करेंगे हम अगर करते हैं तो वह आपका जो दोष है, ये दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता वाला दोष, यह दोष दूर हो जाता है, काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। समझ गए होंगे आप, ये है तीसरा दोष कौन सा, जरा दूरदर्शिता। चौथा जो दोष है वो दोष है आपका अबिंदुकता, ठीक है ना। अबिंदुकता क्या होता है, इसके बारे में एक बार चर्चा थोड़ी सी हुई थी आपको जब हम मानव नेत्र पढ़ा रहे थे, तो अबिंदुकता के बारे में बता रहे थे आपको। अबिंदुकता का जो दोष है वह किसी भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुओं पर एक साथ फोकस ना कर पाने वाला दोष है। जैसे कहीं किसी वस्तु पर, कहीं किसी वस्तु को आप देख रहे हैं, अगर उस वस्तु की लंबाई पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आप लंबाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो चौड़ाई का मापन आप नहीं कर पाएंगे, आपको उस वस्तु की चौड़ाई का आभास, कितनी चौड़ी वस्तु है उसका आभास नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर चौड़ाई पर ध्यान लगाएंगे तो लंबाई का एहसास नहीं हो पाएगा। ऐसा दोष जब किसी व्यक्ति में होता है तो सामने वाला, मान लीजिए कोई आदमी है वो शर्ट पहने हुए है, ठीक है, सामने वाला कोई व्यक्ति है वो शर्ट पहने हुए है और उसके शर्ट पर ऊर्ध्वाधर लाइनें भी हैं और क्षैतिज लाइनें भी हैं। कैसी लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें भी हैं और क्षैतिज लाइनें भी हैं, दो तरह की लाइनें हैं। तो जब वह व्यक्ति ऐसे शर्ट को, ऐसे कपड़े को देखता है जो चेक वाले कपड़े होते हैं, तो अगर वह ऊर्ध्वाधर लाइनों को देखेगा तो क्षैतिज को नहीं देख पाएगा, बहुत धुंधला दिखेगा उसको, ऊर्ध्वाधर वाला बिल्कुल साफ दिखेगा। और अगर क्षैतिज लाइनों को देख रहा है तो ऊर्ध्वाधर वाला नहीं दिख पाएगा। फिर कहने का मतलब वो एक साथ एक बार में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों प्रकार की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ऐसा दोष जो है वो क्या होता है, अबिंदुकता का दोष होता है, समझ गए। और ऐसा जो दोष होता है वह मानव नेत्र में जो कारणिया हमारा है, इस कारणिया के पूरी तरह गोल ना हो पाने के कारण ऐसा दोष आता है मानव नेत्र में। अगर मानव नेत्र का जो सामने का उभार है जिसको हम कारणिया बोलते हैं, जब कारणिया में ऐसा कोई दोष आ जाता है, कारणिया का गोलाकार जो है, जो गोलापन है वो कम हो जाता है, तब ऐसी अवस्था में ऐसा दोष मानव नेत्र में आ जाता है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार चश्मे का प्रयोग करते हैं, ऐसा चश्मा जिसमें बेलनाकार लेंस लगा हो। आपने देखा होगा बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन एक मोटा चश्मा जो है बीच में उभरा होता है, ऊपर और नीचे किनारे पर थोड़ा सा दबा होता है, मतलब बीच का उभरा मोटा सा लेंस होता है, उसको हम बेलनाकार लेंस बोलते हैं,
ठीक है। तो ऐसा जब लेंस लग जाता है मानव नेत्र में तो वो जो कार्निया के उभार का दोष है, अबिंदुकता वाला दोष, वो दूर हो जाता है, ठीक है ना। पांचवा जो दोष है इसके बारे में आपको बताया गया अच्छी तरह से, वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब होता है व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है ना, लेकिन वह रंगों में भेद करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पाता है ना। ये कई प्रकार का होता है, कुछ विशेष प्रकार के लोग जो है वह विशेष प्रकार के रंगों में भेद नहीं कर पाते, कुछ जो है वह प्राइमरी जो रंग होते हैं लाल हरा नीला उसमें भेद नहीं कर पाते, कुछ लोग सेकेंडरी जो रंग होते हैं उनमें भेद नहीं कर पाते। तो इस तरह से कई तरह के लोग होते हैं, वो अलग अलग तरह का गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो वर्णांधता का दोष होता है यह बहुत कम लोगों में पाया जाता है, ठीक है। यह दोष आम नहीं है, यह दोष बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और जिसमें पाया जाएगा तो यह दोष दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मानव नेत्र के ट्रांसप्लांटेशन से ही दूर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है पांच दोष आपको जानने थे मानव नेत्र के दोष, आप अच्छे से एक बार पढ़ करके इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब आपके जो पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो तीन हैं, एक है खगोलीय दूरदर्शी, खगोली में दो है, एक है अपवर्ती दूरदर्शी इसमें लेंस का प्रयोग होता है, दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी इसमें लेंस के साथ साथ दर्पण का भी प्रयोग होता है। तो अपवर्ती दूरदर्शी क्या विशेषता होती है, परावर्तिक क्या विशेषता होती है, और साथ में सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी कैसे वर्क करता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो तीन तरह के प्रकाशिक यंत्र हैं आपके पास, उनकी आवर्धन क्षमता के बारे में हम आपको बताएंगे, कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनका किरण आरेख बनता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। एक चीज़ आपको और बताना है कि इस चैप्टर में विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा ये सब भी आपको मिलेगा, वह कोर्स से हट गया है, जो 30% की कटौती हुई है कोर्स में उसमें ये हट गया है। तो ये तीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता के साथ साथ, फिर उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब जो नया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।